लोग ये भी कह रहे थे कि रड़क निकालने का काम किया है, दुश्मनी निकालने का काम किया है, लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। ये बातें कहां तक उचित थी? अब तो ये हालात है बाबूजी की, कि जो जितने माड़ाएं उनकी जीत देख करके डाली थी शुरू में, वो बादरा जो अपने गांधी पार्क के पास उनका ऑफिस है, वहां खड़े हैं लोग, कह रहे हैं बाबूजी हमारी माड़ा वापस दीजिए। तो मनोहर जी, एक इधर बात और बताओ, आप जिस तरीके से हमने आपके प्रोग्राम कवर किए, संजीव बेनीवाल के भी प्रोग्राम किए, बाहर के लोग तो आप दिहाड़ी पे मजदूरी पे, जैसे बाबूजी लेके आते हैं ना 400 रुपए में प्रतिदिन आदमी लेकर के आते हैं, वो 1.5 से 10 गाड़ी आती है उनकी डेली। जी, रैली और हुई उधर संजीव बेनीवाल की भी थी, बलवान पुनिया की थी, हालांकि रैली के हिसाब से देखा जाए तो भीड़ दोनों में जमा थी। कहीं ना कहीं अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि बाहर की भीड़ इसमें जमा की गई थी, क्या कुछ कहें? कि बादरा तहसील में संजीव बेनीवाल से दुखी हैं लोग। जी, बीजेपी से बैर नहीं, बाबूजी तेरी खैर नहीं, क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, JBR, जय बाबा रामदेव लैपटॉप रिपेयर, सुरकाप चौक, डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली, नजदीक मित्तल हॉस्पिटल सिरसा। नए व पुराने एप्पल से लेकर सभी कंपनियों के लैपटॉप व मदरबोर्ड रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट चिप लेवल रिपेयरिंग का कार्य तसल्ली बख्श किया जाता है। साथ ही CCTV कैमरे लगवाने व इंपोर्टेड लैपटॉप सेल परचेज और रिपेयरिंग के लिए संपर्क करें रमनदीप, मोबाइल नंबर 9496176066 या फिर 8701161 पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं मलखेड़ा गांव में मौजूद हूं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज जो है चुनाव का आखिरी दिन था और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बलवान फगेड़िया जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आज चुनाव का जो है आज प्रचार जो है खत्म हो गया है, कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है? पूरे क्षेत्र का दौरा करने के बाद हमें ये लग रहा है कि जनता पहले से ज्यादा वोटों से हमें जिता करके राजस्थान की विधानसभा भेज रही है। जी, लोग बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ साथ आए हैं और इतनी ज्यादा संख्या के अंदर साथ आए हैं कि जो हमारी उम्मीद से भी ऊपर है। लगातार आप डोर टू डोर आपने कैंपेन भी किया, हम भी लगातार पिछले एक महीने से गाँव में थे, तो लोग ये तो मान रहे हैं अभी पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे कि रड़क निकालने का काम किया है, दुश्मनी निकालने का काम किया है, लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, ये बातें कहां तक उचित? नहीं, ये तो सारी सारी निराधार बातें हैं। हमें तो कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि मेरी रड़क निकाली है। हाँ, तो ये तो हमारी 2000 से जब हमने राजनीति शुरू की थी, 2000 सन 2000 है, उसमें हमारी मानसिकता ये थी कि जो भादरा तहसील के अंदर जो अपने आप में स्थापित नेता बने घूम रहे हैं उनको ठीक करना था, और यही जनता को हमने मैसेज देना था कि भी सीधे आओ, सीधे मिलो, जो MLA विधायक के अंदर जो जनता का और विधायक के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हमें खत्म करना था। और 2018 में जिस तरीके से जनता ने हमें चुना और फिर हमने 5 साल तक विधायक जी ने जो जन सुनवाई की, लोगों के बीच में रहे, आम आदमी के साथ जो संवाद किया, तो मेरे ख्याल से आम आदमी जो है भादरा तहसील का वो तो सारे खुश हैं। और जो नेता लोग हैं जो थाने तहसील की राजनीति करते थे, जो तहसील के आगे बैठे रहते थे, जो थाने के आगे बैठे रहते थे, या जिनका काम ही ऐसा था कि गांव से उठाओ, लड़ाई झगड़े कराओ, फिर नेता के पास लेकर के जाओ और अपनी दुकानदारी चलाओ, तो उन सब की हमने रड़क भी निकाली है और उनकी दुकानें भी बंद कर दी। यहाँ तक कि इस गांव की बात करें तो एक ऐसा परिवार था, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वीडियो कॉलिंग के जरिए हमें पिटवाया गया। मेरे ख्याल से हमारे सामने तो ऐसी घटना आई नहीं, और ये चुनाव का माहौल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनर्गल आरोप लगा देते हैं जी। और अनर्गल बातें भी करते, झूठे को कौन पकड़े, ये चीजें भी है लोकतंत्र के अंदर, भी झूठ का कोई तोड़ तो है नहीं, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारा सटीक मानना है कि जो चिट्टे का धंधा करता है, जो कोई इलाके को, हमारे समाज को जो बिगाड़ने की कोशिश करे, तो हमारा ये फर्ज भी बनता है और जनता ने ये जिम्मेदारी भी सौंपी है कि उस व्यक्ति को ठीक करें, हम तो नहीं कर सकते, प्रशासन के द्वारा करवाएं, तो ये चीजें तो मैं जायज मानता हूँ समाज के लिए भी। आप ये मान के चलो भी आज कोई चिट्टे का काम करता है कोई, तो वो नौजवानों के को ला करके चिट्टा सप्लाई करता है, तो हमारी ये प्राथमिकता ये छोटा चिट्टे का मुकदमा कम बनता है, लेकिन इनको थाने में ले जा करके ठीक कर दो तो दोबारा बेचे नहीं। ये चीजें जरूरी भी है इलाके के लिए। सोशल मीडिया पर एक गाड़ी की तस्वीर नजर आ रही है, उसमें पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, बीजेपी से बैर नहीं, बाबूजी तेरी खैर नहीं, क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, बाबूजी कांग्रेस का झंडा भी लगा हुआ। हाँ, कांग्रेस का झंडा नहीं, हकीकत यही है कि भादरा तहसील में संजीव बेनीवाल से दुखी हैं लोग। जी, बीजेपी तो देखो लोगों की अपनी धारणा ही होती है, जो कोई मोदी की तारीफ करता है, कोई नहीं करता है, कोई करता है, कोई नहीं करता, लेकिन भादरा तहसील में बाबूजी से दुखी हैं। इन्होंने क्या है कि तहसील के अंदर जो सार्वजनिक भूमि थी, जो जोड़ पैदन की जगह होती थी, जो गोचर भूमि होती थी,
वो सारी अपने लोगों के अलाट करवा दी, गांव गांव में विवाद पैदा कर दिए, लोग जोधपुर हाईकोर्ट में अजमेर हाईकोर्ट में घूमते फिर रहे चक्कर का, 10-10, 15-15 साल हो गए, तो इनसे दुखी है, तो इसीलिए ये नारा दिया लोगों ने कि बाबू जी तेरी खैर नहीं। जी कल आपकी रैली हुई उधर संजीव बेनीवाल की भी थी, बलवान पुनिया की थी, हालांकि रैली के हिसाब से देखा जाए तो भीड़ दोनों में जमा थी, कहीं ना कहीं अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि बाहर की भीड़ इसमें जमा की गई थी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, बाहर की भीड़ तो हमारी तो औकात ही नहीं है बाहर से आदमी लाने की। जी हमारे तो जो प्यार है प्रेम है वो भादरा तक सीमित है, हमारी रिश्तेदारी ही भादरा तक है, भादरा से बाहर नहीं है कहीं पर भी। संजीव बाबू की है बाहर, मांडी जी हैं जो पूर्व विधायक हैं, उनकी 100-150 गाड़ियां परमानेंट आती है, मीनू जी घूम रहे हैं पैसे लगाते हुए भादरा के अंदर, उनका काफिला भी चलता है, उनके चौटाला भी ब्याह, एक बेटा ब्याह हुआ है उनका इधर तारनगर साइड के अंदर, सावा साइड के अंदर भी इनकी रिश्तेदारी है संजीव जी बनवाल की। तो जो हम पे आरोप लगाते हैं बाहर के थे हमारे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा गांव 8 किलोमीटर दूर है भादरा से, और ये मान के चलो मेरे गांव से लोगों को रैली तक पहुँचने में 3 घंटे का समय लगा, मेरे घर से मेरी मैडम मोती प्लेस है भादरा से, वहां से उतर के महिलाओं को लेकर के पैदल चली 5 किलोमीटर। ये जोश जुनून है ना, ये बाहर के लोगों में नहीं होता, ये जीत और हार लोकल लोग तय करते हैं, जो 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तय करते हैं ना सफर पैदल, वो लोकल के लोग होते हैं, बाहर के लोग तो आप दिहाड़ी पे मजदूरी पे जैसे बाबूजी लेके आते हैं ना 400 रुपए में प्रतिदिन आदमी लेकर के आते हैं, वो 1.5 से 10 गाड़ी आती है उनकी डेली, और 1000-1200 का खाना भी लगता है। आपने कभी देखा हमारे ऑफिस में खाना बनते हुए, या बाहर से आदमी हम लेके आएंगे तो उनको खाना भी देना पड़ेगा, चाय भी देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये रिवाज तो बाबूजी की है, जो अंदर से खुद चोर है ना उनको सारी दुनिया चोर नजर आती है, जैसे शीशा हो ना, शीशा अगर वो साफ है तो चेहरा साफ नजर आएगा, और उस पर दाग हो तो चेहरा भी दागी नजर आएगा, तो वो उनके खुद पे दाग है, तो उनको ऐसा लग रहा है बाहर से आएंगे। ये बाबूजी धरातल की भीड़ है, ये भादरा की जनता की आवाज है, और जो आपकी लूट से परेशान थी वो सारे लोग इकट्ठा, जैसे इन्होंने सारे बेईमान एक जगह इकट्ठा कर लिए, उसी तरीके से लोगों को ये लग गया कि अगर इनकी राज इनका राज आ गया तो ये सारे लूट करके खाएंगे। तो एक बात और बताओ, आप जिस तरीके से हमने आपके प्रोग्राम कवर किए, संजीव बेनीवाल के भी प्रोग्राम किए, भीड़ दोनों के प्रोग्राम में एक जैसी थी, तो ये भादरा की जो राजनीति है ये समझ में नहीं आ रही। लोग कई लोग कह रहे हैं कि बलवान जीतेगा, कई लोग कह रहे हैं संजीव जीतेगा, हार जीत का आंकड़ा है वो बड़ा टाइट होता जा रहा है, और ये जो भादरा का चुनाव है ये मैंने पहला ऐसा चुनाव देखा है कि वाकई में कांटे की टक्कर चल रही है। आपको क्या लगता है जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हो, हार जीत का जो आंकड़ा है वो कितना रहेगा, ये हमारे दर्शकों तक बताएं आप। नहीं, अंतर साफ है, आप गौर से देखिए जनाब, हमारी जनसभाएं चल रही थी जी, आज से 10 दिन पहले तक हमारी जनसभाएं चल रही थी, तब हमारे साथ 100-100 गाड़ियों का काफिला रहता था जी, 100 से कम हो जाती है 80 मान के चलो। अब 10 दिनों से लगातार बलवान पुनिया का जन समर्थन कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल वो भीड़ गाँव की भीड़ होती है, और बाबूजी की जनसभाएं चल रही है जी, ठीक है, बाबूजी जनसभाएं कर रहे थे 10 दिन से, और हम जन समर्थन के कार्यक्रम कर रहे थे, फलाना परिवार हमारे साथ आ गया, फलाना गांव में इतने इतने लोग हमारे साथ हो गए, उनके प्रोग्राम चल रहे थे 10 दिनों से। आपको गौर करना चाहिए प्रत्येक गांव में बाबूजी के प्रोग्राम कहाँ हुए, हुए 10 दिनों से, कौन नया जुड़ा है बताओ। अब तो ये हालात है बाबूजी की कि जो जितने मालाएं उनकी जीत देख करके डाली थी शुरू में, वो भादरा जो अपने गांधी पार्क के पास उनका ऑफिस है वहां खड़े हैं, लोग कह रहे हैं बाबूजी हमारी माला वापस दीजिए, गलती से डल गई आपको जी, हाँ तो वो वापस ला रहे हैं, आप वहां जाकर के भीड़ देख लेना, आप वो मालाएं लेकर के वापस बलवान पुनिया को डाल रहे हैं, भी हमारी गलती होगी, हम बहकाव में आ गए इनके, तो ये साफ है तहसील के अंदर। आप एक पंचायत बता दो जहाँ से बाबूजी जीत रहे हो, ग्राउंड रिपोर्ट है, गांधी बड़ी को छोड़ करके गांधी बड़ी में भी मुकाबला है जी, लेकिन गाँव है, गाँव किसी को हराता नहीं है वैसे, मेरा ये मानना है। आप एक पंचायत बताओ कहाँ से जीत रहे हैं बाबू जी, एक ही पंचायत, 56 पंचायत। बलवान जी अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें, बड़े मुद्दे यहाँ पर क्या रहे, जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच गए, लगातार आपने वोटों की अपील की, बड़े मुद्दे क्या रहे? बड़ा मुद्दा यही रहा कि भादरा को ये साबित करना था कि हम काम के साथ हैं या काम के खिलाफ हैं, बस यही, और कोई मुद्दे नहीं, मुद्दे सारे पूरे करवा दिए हमने। बताओ हमारे विपक्ष का उम्मीदवार है किसी भी बात, कल उनकी रैली थी कोई 10-15 हजार आदमी भी थे उनके, उनमें माइक ले लो उनका, उनकी डिटेल निकालो, उन्होंने कहा है क्या कही कि हम ये करवा देंगे, मतलब इसके मायने ये हो गए कि कॉमरेड बलवान पुनिया ने जो आमजन के मुद्दे थे वो सारे हल करवा दिए,
हम ही बोल रहे हैं कि एक रिंग रोड बनाएंगे, एक नर्सिंग कॉलेज खुलाएंगे। बाबू जी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, हमने सारे वो जितने जानते थे ना उसे चार गुना ज्यादा काम हमने करवा दिए। ये स्पष्ट है, बादरा ने विकास को चुना है और विकास का ही मुद्दा था। काम का जो इन्होंने रोड़ा मचाया, अभी बादरा तहसील काम करने वालों को वोट नहीं देती, काम करने वालों को वोट नहीं देती, तो जनता को ये लगा यार जो आदमी अपने लिए काम करे, और अगर वो हार गया तो इनकी तो मानसिकता यही है भी काम करना ही नहीं, काम करने वाले को वोट नहीं देती, तो फिर अगर इनके घर जाएंगे तो ये जूते लेके हमारे पीछे भागेंगे। तो जनता एकजुट होकर के काम करने वाले के साथ लग गई। तो उसका कल SD मूवी रिलीज की है हमने, बादरा तहसील के अंदर 5 किलोमीटर लाइने थी, और जिस तरह से आवाम आया बादरा का, लोग आए, लोगों ने साबित कर दिया कि बादरा राजस्थान की सबसे बड़ी जीत बादरा के अंदर होगी। जी बिल्कुल, एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी ये सच्चाई कहाँ तक है? किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हाथापाई की जो वीडियो है, ये वीडियो क्या है, पुराना है कि कैसे? ये 3 साल पहले का वीडियो है, कोई बोझला माइनर का जी, और पानी के कष्ट, पानी के लिए तो भागते फिरते ही हैं जी जी। तो किसानों के बीच में जाएंगे तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन ये हमारे साथ कोई गलत बात नहीं हुई कभी। 3 साल पहले का वीडियो है, ये सारे झूठ बोलेंगे अभी जी। ये 2 दिन के अंदर है ना सारे झूठ बोलेंगे। पहले कह रहे थे कि कोई काम को वोट नहीं देता, फिर लोग साथ लग गए काम के लिए, पक्ष में आ गए, फिर ये कहने लगे कि ये दोबारा नहीं जीतेंगे, माहौल ऐसा तैयार हो गया दोबारा जीतेंगे, फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि रूपराज जी बीमार हो गए वो मरेंगे जी। ये भी BJP ने फैलाया, ये भी कहा इन्होंने, रूपनाथ जी बेचारे को आकर के ये कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ और स्वस्थ हूँ, तो इनके सारे हथियार गुम हो गए। अब ये मानसिकता है इनकी, इतने झूठ बोलेंगे लोग, इतने झूठे हैं, पैदाइशी झूठे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार हमने रैली की थी तो इन्होंने ये तकात कह दिया, अभी 4 लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया। हमारी रैली इतनी आर्मी की जो अनुशासन होता है उस तरीके से अनुशासन में होती है, आज तक कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, आगे भी हम गड़बड़ी नहीं करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों ने हमें बनाया और हमने लोगों को बनाया जी। जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हो आप? 150% कितने वोटों से जीतेंगे? 30,000+। धन्यवाद, कोई शक नहीं, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलवान फगेड़िया, जिन्होंने स्पष्ट अर्थों में कहा कि जिन मुद्दों को लेकर के हमने 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था वो सारे मुद्दे जो है हमने पूरे किए, चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हर क्षेत्र में हमने जो है विकास किया है, और इस बार भी जिस तरह से हमने 2018 से लेकर 2023 तक हमने विकास किया है, अब हमें उम्मीद है कि जनता अब की बार उस जो पिछला जो मार्जिन जो जीत कर रहा था उससे कहीं आगे बढ़ा करके हमें मतदान करेगी, और निश्चित तौर पर एक बार फिर से कॉमरेड बलवान पुनिया दूसरी बार भादरा के विधायक बनेंगे। लगातार हमने राजस्थान की भादरा क्षेत्र की ये आपको तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, आपको क्या लगता है, क्या बलवान पुनिया एक बार फिर से विधायक बनेंगे या फिर कोई और कोई बाजी मार जाएगा? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।